एक रोमांचक कहानी मोहिनी। उन पहाड़ों में वो इधर उधर ऐसे घूमता था जैसे कि वो जन्नत में ही पहुंच गया था। उसकी पहली नौकरी थी फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में शिमला में। आसपास के जंगलों और पहाड़ों पर घूमना फिरना और लकड़ी जानवरों और तस्करों पर नजर रखना ही उसकी ड्यूटी थी। सिर्फ 24 बरस की उम्र में ही वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया था। IFS का इम्तिहान पास करके उसको सरकारी बंगला, गाड़ी, दफ्तर, 3 नौकर और 4 सुरक्षा कर्मी, सभी सुविधाएं मिली हुई थी। काम तो कुछ भी नहीं होता था। वो अपना दिन या तो जीप में जंगलों में घूमने में या फिर अपने बंगले पर किताबें पढ़ने में या फिल्में देखने में ही बिता देता था। एक दिन शाम को वो बरामदे में बैठा सामने के बगीचे को देखते हुए अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसको दूर कहीं से छन छन की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आवाज बराबर आने लगी तो वो उठकर बाईं तरफ को चल दिया जहां से वो आवाज आ रही थी। बगीचे के पिछले हिस्से से ही जंगल शुरू हो जाता था। जैसे ही वो उस हिस्से में पहुंचा, उसने लाल घाघरा चोली पहने हुई एक जवान लड़की को देखा। उसके पांवों की पायल की आवाज ही उसको सुनाई दे रही थी। उस दिन वो उसको सिर्फ पीछे से ही देख पाया, क्योंकि वो उसको आता हुआ देखकर जल्दी से जंगल में भाग गई थी और गायब हो गई थी। उसने अपने नौकर रामजी से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने कहा, साहब जी, यहां तो बस आदिवासी लड़कियां जंगलों में यूं ही घूमती रहती हैं। हाँ, कुछ शहर की लड़कियां और लड़के भी यहाँ कैंपिंग करने आते हैं और आदिवासियों के पास ही रहते हैं और उनके जैसे कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं। आपने कहा कि वो लड़की गोरी थी, तो वो जरूर कोई शहर वाली लड़की होगी, आदिवासियों की तरह का घाघरा चोली पहने हुई। कल फिर दिख जाएगी। अगली शाम को एक बार फिर से सब काम छोड़कर वो दिन से ही कुर्सी लगाकर बैठ गया और जंगल से उस लड़की के उसके बगीचे में आने की प्रतीक्षा करने लगा। करीब 4 बजे शाम को पायल की आवाज फिर आई। इस बार वो फॉरेस्ट अफसर पहले से ही तैयार था। वो उसके बिल्कुल पास ही एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। वो अचानक ही उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। इससे पहले के वो कुछ कहता, वो भागकर जंगल में चली गई और फिर से गायब हो गई। तीसरे दिन उसने उस लड़की को कुछ ज्यादा देर तक देखा, लेकिन वो रात भर उसके ही सपने लेता रहा। 3 दिनों में उसने सिर्फ उसकी पायल की आवाज, दूसरे दिन उसके चेहरे की झलक और तीसरे दिन पूरे चेहरे को ही देखा था। चौथी शाम को वो उसको बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठी दिखी। इस बार वो उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो बहुत ही मीठी मुस्कान देखकर एक बार फिर से गायब हो गई। 5वें दिन वो कुछ देर ज्यादा उसके सामने खड़ी रही और वो उसके रूप को निहारता रहा। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। कमर तक झूलते हुए लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें, बिल्कुल गोरा गुलाबी रंग, कैसा मांसल बदन और मादक मुस्कान। लेकिन उस दिन वो हंसी और फिर भागकर दूर हो गई। आखिर 6वें दिन उसने उस खूबसूरत लड़की की आवाज सुनी, जब उसके पूछने पर वो बोली थी, जी हमारा नाम मोहिनी है, हम पास के गांव के सरपंच की बेटी हैं, हमने शहर से BA तक की पढ़ाई की है और अब छुट्टियों में हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तो हमको हमारे समाज के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं तो शहर में तो हम जीन्स, टी-शर्ट्स वगैरह पहनते हैं।
फॉरेस्ट ऑफिसर तो उसकी बातें सुनकर मुग्ध हो गया था, उससे रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा नाम रमन है, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, आओ मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो अगर बुरा ना मानो तो, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त या परिचित भी नहीं है। उस शाम को वो लड़की मोहिनी उसके साथ एक कप कॉफी पीकर उसको थैंक यू कहकर वापस जंगल में चली गई है। वो तो बस जैसे सम्मोहित होकर उसके चेहरे को ही देखता रह गया था। अगले 2 दिनों तक वो सिर्फ उसके ही बारे में सोचता रहा। अगली बार जब वो उसको दिखी उस दिन शनिवार था और वो अपने बंगले के पीछे बगीचे में बैठा बियर पी रहा था। उसके अनुरोध पर लड़की भी उसके साथ बैठ गई और उसने भी एक बियर पी ली। वो थोड़ा उत्तेजित हो गया था और उसने आगे बढ़कर उस लड़की के हाथ अपने हाथों में लेकर उसको कहा, जानती हो मोहिनी, मैंने जीवन में तुमसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी है, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया हूँ। सभी गांव वाले बिल्कुल सांवले या काले हैं, लेकिन तुम एकदम गोरी हो, ये कैसे हो सकता है? आपने ठीक पहचाना जी, मैं अपने असली माता पिता को नहीं जानती हूँ। कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा लंदन से यहाँ घूमने आए थे, लेकिन तब मैं सिर्फ 1 बरस की ही थी। एक दिन मेरे मम्मी डैडी और मैं कार से जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। मैं सड़क से दूर जाकर एक खेत में गिरकर बेहोश हो गई थी और वहीं से गांव वाले मुझे ले आए थे। सरपंच ने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने ही घर में रख लिया और फिर मैं उनकी बेटी के रूप में ही बड़ी हुई, स्कूल और कॉलेज गई, लेकिन मैं खुश हूँ उनके साथ। हाँ, कभी कभी अपने मम्मी डैडी के बारे में सोचती जरूर हूँ कि अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ होंगे। उस शाम को वो काफ़ी देर तक रमन के साथ ही रही और जब वो जाने लगी तो रमन ने उसके गाल को चूम लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, वो सिर्फ हंसी और चली गई। उसके बाद तो वो रोज ही मिलने लगे और उनको प्रेम हो गया। फिर एक दिन वो कुछ जल्दी आ गई और रमन उसको बंगले के अंदर ले गया, जहां वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। रमन तो बस जैसे दीवाना ही हो गया था। वो देर रात तक उसके शरीर से खेलता रहा और उसको प्यार करता रहा। उसके बाद तो वो हर रात को ही आने लगी और वो दोनों देर रात तक प्रेम का खेल खेलने लगे। इस दौरान रमन ने अपनी ड्यूटी पर भी जंगलों की तरफ जाना लगभग बंद कर दिया था। वो दोपहर से ही मोहिनी का इंतजार करने लगता था, वो उसकी अंतरात्मा में समा गई थी। फिर एक दिन मोहिनी का आना अचानक ही रुक गया, 1 हफ्ते तक वो नहीं आई। अगली सुबह रमन के बंगले के सामने विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक जीप आकर रुकी। वो हैरान हो गया, उसको मालूम चला कि पिछले 1 महीने में जंगल से करीब 10 ट्रक चंदन की लकड़ी तस्कर काट कर ले गए थे। रमन को 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो समझ गया कि उसकी लापरवाही के कारण ही जंगल में लकड़ी की करोड़ों की चोरी हो गई थी। वो जानता था कि उसकी नौकरी भी जाने वाली थी, उसको वो बंगला छोड़ना पड़ा। अगले दिन जब वो शिमला के बस स्टॉप पर अपना सामान लिए बस का इंतजार कर रहा था, वो मोहिनी के बारे में ही सोच रहा था। वो नागपुर अपने घर वापस जा रहा था। उसको अपनी नौकरी छूटने का उतना दुख नहीं था जितना कि उस खूबसूरत लड़की मोहिनी से अलग हो जाने का था। बस आने में कुछ देरी थी, तभी उसने सामने की किताबों की एक बड़ी दुकान के सामने एक नीली लंबी कार देखी। अचानक ही दुकान से एक नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने लंबे बालों वाली लड़की निकली। रमन का माथा घूम गया, वो तो मोहिनी ही थी जो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। वो जोर जोर से उसको पुकारता हुआ सड़क के उस पार खड़ी उस महंगी कार की तरफ दौड़ा, लेकिन उसके सड़क पार करने से पहले ही मोहिनी उस कार में बैठकर फुर्र हो गई थी। अब रमन को सारा खेल समझ आ गया था कि वो प्यार में डूबा रहा और उधर चंदन की कटाई
होती रही थी। मोहिंद तो रमन रूपी मछली को डाला गया सिर्फ चारा ही था, और रमन उस चारे को खा गया था और जाल में फंस गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।